हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ECS एस्टोनिया T10 लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा वाइकिंग स्टार वर्सेस टाटू सीसी के बीच में। देखो भाई लोग, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाना है। अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो आप 110% ताबड़तोड़ यहां से प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि हम आपको यहां पर विनिंग टीम के बारे में बताते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे यूज करना है। ठीक है भाई लोग, हम आपको यहां पर जेन्युइन टीम देते हैं जिससे कि आप एक बेहतर टीम बनाकर अच्छा रैंक यहां पर ला सके और ताबड़तोड़ प्रॉफिट कर सके। जैसे पिछले मैचों में हम लोगों ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट किया, उसी तरह इस मैच में भी हम लोग ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाले हैं। आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आपको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से ऐसे परफेक्ट खिलाड़ी होंगे जिस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है, जिससे कि आप प्रॉफिट में हो ना कि लॉस में हो। हम आपको बताते हैं कि आपका 8 से 9 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म तो करता है, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी आपके अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी शामिल होते हैं, जिससे कि आपका टीम लॉस हो जाता है। ठीक है भाई लोग, हम आपको बताते हैं ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं उसे अपने टीम में यूज करने के लिए। अगर आप उसे अच्छे से यूज करते हैं तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके देता है। देखो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको विनिंग टीम दी जाती है और सारा अपडेट आपको यहाँ पर दिया जाता है। ऐसी टीम दी जाती है जिससे कि आप टीम बनाकर अच्छे प्रॉफिट करके जाएंगे, ना कि आप लॉस करके जाएंगे। ठीक है भाई लोग, तो आपको क्या करना है ना, बस आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। यहाँ पे हम आपको टीम के साथ साथ ऐसी जानकारी देते हैं जिसको अगर आप अपने टीम में यूज करते हैं तो फिर आपका टीम बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाएगा और बेहतरीन परफॉर्म करके जाने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करके टेलीग्राम पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाए, ना कि लॉस के जाए। चलिए बात कर ले आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा VKN वर्सेस TCS के बीच में। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पिच कैसा रहने वाला है, कहां पे मैच खेला जाएगा, किसके फेवर में सपोर्ट करने वाला है, बल्लेबाज को या फिर बॉलर को, उसके हिसाब से हम अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखो भाई लोग, जो भी ECS एस्टोनिया T10 मैच खेला जा रहा है वो एक ही ग्राउंड पे खेला जा रहा है, जो कि टैलिन का ग्राउंड होने वाला है। ठीक है, इसका पिच जो देखेंगे तो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच आएगा और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, इस पिच पर इन स्विंग और आउट स्विंग आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आज अपने टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी करेंगे, क्योंकि भाई देखो कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है अपने टीम के लिए। अगर आपके टीम में अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट सेस हो गया तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट करके जाने वाला है, क्योंकि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन का भूमिका बहुत ज़रूरी होता है आपकी टीम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो देखो भाई, यहाँ पर हम आपको टोटल 4 खिलाड़ी देंगे कैप्टन वाइस कैप्टन यूज करने के लिए। वो यूज कैसे करना है वो देख लो, आपको क्या करना है, T1 में जे ऑबरिन को और यहाँ पर आर बोरा को, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लीजिएगा आप। दूसरे टीम में आपको क्या करना है, एन सुलेमान को और यहाँ पर टी अख्तर को, ये 2 खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाना है। अभी जो हमने आपको ये 4 खिलाड़ी दिया है ना, इनका आप रिकॉर्ड देख लो या फिर आप जाके एनालिसिस देख लो तो पता चलेगा कि जो ये 4 खिलाड़ी है इनका परफॉर्म बहुत ताबड़तोड़ रहा है और आप इसे अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर यूज करेंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, ना कि लॉस में जाने वाले। तो ये खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसे खिलाड़ी के बारे में, अगर आप उसे अपने टीम में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम जो है वो बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाएगा, क्योंकि सभी का ध्यान रहेगा हाईएस्ट सिलेक्शन की तरफ और लोएस्ट सिलेक्शन पर कोई ध्यान नहीं देता है भाई। लेकिन जो भी खिलाड़ी लोएस्ट सिलेक्शन पर ध्यान देगा उनका टीम यहां पर बहुत अच्छा बनकर जाने वाला है और यकीनन वो खिलाड़ी अच्छे प्रॉफिट भी करके जाने वाले। तो ऐसे ही हम आपको लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी देंगे जिसको अगर अपने टीम में आप यूज करते हैं तो फिर आपका टीम जो है बहुत ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाने वाला है और उस खिलाड़ी को अपने टीम में जरूर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हम आपको टोटल 5 पंटर खिलाड़ी दिए, ये पंटर खिलाड़ी को कैसे यूज करना है वो देख लो। T1 में आपको क्या करना है, एन सबीर को और ए चंद्रा को और यहाँ पर एच राजा को, ये 3 खिलाड़ी को अपने टीम में यूज करना है एज अ पंटर खिलाड़ी, ठीक है, जो कि आज के लिए आपके मैच में ट्रम्प कर साबित होने वाले हैं। दूसरे टीम में आपको क्या करना है, ए कुमार को और यहाँ पर एस नवेद को, ये दोनों खिलाड़ी को इंक्लूड करना है। देखो भाई, जो भी टीम GL जीतती है ना उसमें 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि इस खिलाड़ी को लेकर के चलेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है। तो आज के मैच का जो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होने वाले हैं इसमें से आप 5 में से 1 खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 खिलाड़ी को जरूर लेकर चलना, ये 4 खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है और किस खिलाड़ी को लेकर के चलना है, कितने कॉम्बिनेशन करना है, वो हम आपको यहाँ पर देख लेंगे। तो देखेंगे, हमने यहाँ पर आज के मैच में 7-4 का कॉम्बिनेशन किया इस टीम में, जिसमें विकेट कीपर के तौर पर 2 विकेट कीपर लेकर चला हुआ,
हुआ है एन सबीर को, एस खान को। बैटर में भी दो बैटर यूज किया है, जो अबरन को और यहाँ पर आर बोरा को। ऑलराउंडर में हमने यहाँ पर चार ऑलराउंडर यूज किया है, एन सुलेमान को, वी टोर्की को, एस खान को और एन यादव को। बॉलर में हमने तीन बॉलर यूज किया है, एस नवीद को, टी अख्तर को, ए कुमार मेरी टीम में होने वाले, जिसमें से कैप्टन के तौर पर हमने एस खान को, वाइस कैप्टन को एन सुलेमान को किया है। इसमें से ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम में हम आपको अपडेट करेंगे और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर बताएंगे। दूसरे टीम में हम सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, वो भी हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।